guys and welcome to 5 paisa. Recently kuch IPOs ki outstanding performance se retail investors ka interest public offering mein badh gaya hai. Agar aap bhi kisi IPO ke liye apply karna chahte hain aur aap janna chahte hain ki IPO ka allotment status kaise check karte hain to ye video aapke liye hi bana hai. Guys, lekin as usual video shuru karne se pehle 5 paisa ke YouTube channel ko like, share aur subscribe karna na bhule. चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस बताता है और जिस डेट को इन्वेस्टर्स को उनके अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में पता चलता है उसे आईपीओ अलॉटमेंट डेट कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको आईपीओ रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर मिलेगी। अलॉटेड वर्ड का मतलब है इन्वेस्टर को पूरा एलोकेशन मिलना। पार्शियली अलॉटेड का मतलब है इन्वेस्टर को उससे कम शेयर अलॉट हुए हैं जितने उन्होंने रिक्वेस्ट करे थे। जैसे कि अगर आपने XYZ IPO के 10 शेयर्स रिक्वेस्ट करे और आपको सिर्फ 3 शेयर्स अलॉट हुए, बाकी के साथ आपको नहीं मिले। नो अलॉटमेंट का मतलब होता है कि आपको कोई भी शेयर नहीं मिला। ये आपके एप्लीकेशन ना चुनी जाने या आपके डीमैट एंड पैन नंबर में एरर होने की वजह से हो सकता है। अगर बिड इशू प्राइस से लो हो या अलग अलग एप्लीकेशन एक ही पैन से सबमिट की हो तो ये भी नो अलॉटमेंट के रीजंस हो सकते हैं। गाइस, नो अलॉटमेंट या पार्शियल अलॉटमेंट में कोई भी ब्लॉक्ड अमाउंट इन्वेस्टर को वापस मिल जाता है। अगर वो अमाउंट ना मिले तो आपको अपने बैंक को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। अलॉटमेंट डिसीजन आईपीओ का रजिस्ट्रार लेता है। आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसीजर को ओवरसी करने के लिए कंपनी एक रजिस्ट्रार को नेम करती है। ये एक रजिस्टर इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है। अलॉटमेंट डेट के दिन रजिस्ट्रार इन्वेस्टर्स का नंबर और उनको इश्यूड लॉट्स का नंबर अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता है। नाउ गाइस, लेट्स गेट डाउन टू द मेन टॉपिक, हाउ टू चेक आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस। आप अलॉटमेंट स्टेटस रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर अपना पैन नंबर या आईपीओ एलोकेशन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन, गो टू द एक्सचेंजेस वेबसाइट, विजिट द बीएससी पेज, चूज इक्विटी, क्लिक ऑन इश्यू नेम, एप्लीकेशन नंबर एंड पैन टू रजिस्टर, देन सबमिट टू रजिस्टर ऑन द एक्सचेंजेस वेबसाइट एंड चेक योर अलॉटमेंट स्टेटस। नंबर टू, View the website of the registrar. Check the status of your IPO allotment now. चलिए गाइस, अब जानते हैं कि आप अपने IPO allotment के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। IPO allotment प्रोसीजर में सबसे पहले IPO के रजिस्ट्रार टेक्निकल एरर वाली एप्लीकेशंस को रिमूव करते हैं। उसके बाद वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्हें IPO allot होगा वो डिसाइड करते हैं। This is done by dividing the total number of shares available for retail institutional investors by minimum bid lot. हालांकि registrars IPOs को lottery की तरह distribute करते हैं, फिर भी आप अपने IPO allocation के chances increase कर सकते हैं। According to SEBI, सारे RI applicants जिनका amount rupees 2 lakh से कम है, वो equally treat होने चाहिए, इसीलिए अलग-अलग applications submit करने का कोई फायदा नहीं। अपने चांसेस इंप्रूव करने के लिए ट्राई सबमिटिंग योर एप्लीकेशन विद अ नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स जो कि अलग-अलग हायर एंड पैन बिड से कनेक्टेड हो। उन बिडर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जो कट ऑफ प्राइस देने को तैयार है। शुरू के पहले और दूसरे दिन HNI, QIBs एंड रिटेल कैटेगरी का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करें मार्केट रिएक्शन देखने के लिए, तभी अपनी एप्लीकेशन के साथ कंटिन्यू करें अगर रिस्पॉन्स फेवरेबल आए। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम बिड लॉट साइज को डिफाइन करने वाली मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट को सेबी ने बढ़ा दिया है ₹15,000 तक। चलिए गाइस, रिफंड प्रोसेस के स्टेप्स को अभी समझते हैं। आपको उन शेयर्स का रिफंड मिल जाता है जो आपको अलॉट नहीं हुए। जब आप आईपीओ शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपके बिड साइज जितना ही इक्वल अमाउंट आपके अकाउंट में लॉक कर देता है और जब फाइनल एलोकेशन हो जाता है तो वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाता है। बैंक आपको फुल या पार्शियल रिफंड देगा, वो आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। यूजुअली 1 से 2 दिन में अमाउंट रिफंड हो जाता है। ओके गाइस, इट्स टाइम फॉर अ क्विक रीकैप।
इन्वेस्टर को कितने लॉट्स अलॉट हुए हैं ये आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस बताता है। अलॉटेड वर्क का मतलब है इन्वेस्टर को पूरा एलोकेशन मिला है। पार्शियली अलॉटेड का मतलब है इन्वेस्टर को उससे कम शेयर्स अलॉट हुए हैं जितने उसने रिक्वेस्ट किए थे। नो अलॉटमेंट का मतलब है कि आपको कोई शेयर्स नहीं मिले। आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाके पैन नंबर या आईपीओ एलोकेशन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। हमने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के मेथड्स भी सीखे इस वीडियो में। गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके 5 पैसा के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप 5 पैसा के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।